हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नविताज किचन। तो आज हम खिचड़ी बनाएंगे। तो हमने लिया है एक छोटा इंच अदरक का टुकड़ा और सात से आठ कलियाँ लहसुन और थोड़ा सा जीरा ले लेते हैं। तो अब हम चलते हैं इसका पेस्ट बनाने। तो देखिए मेरा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब हम कुछ सब्जी यहाँ पे ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे गोभी लिया है, केला, आलू और मूंग दाल भी। मूंग दाल मेरा 250 ग्राम है, हम इसे भून लेते हैं। आप यहाँ पे अरहर दाल भी यूज कर सकते हैं। दोनों मिक्स करके खिचड़ी बनाएंगे तो और टेस्टी लगेगा। मेरे पास अरहर दाल नहीं था, ख़त्म हो गया था। तो दाल मेरा भुना चुका है, गैस का फ्लेम हम कम कर देते हैं। तब तक हम कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है। अब हम इसे तेल डाल लेते हैं। तेल मेरा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पचफोरना डाल लेते हैं और इस अच्छे से पचफोरना मेरा जल चुका है। अब यहाँ पे सूखा मिर्चा ले लेते हैं 3 से 4। तो देखिए हमने सूखा मिर्चा ले लिया है और एक तेज़पत्ता। तो अब सारा चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें सब्जी ऐड कर लेते हैं। सारा सब्जी ऐड करके अच्छे से भुनेंगे। सब्जी को फ्राई करते हुए हम इसमें एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेते हैं और थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छे से फ्राई करते हैं। अब हम यहाँ पे पेस्ट डाल लेते हैं जो हमने बना के रखी थी। पेस्ट डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सब्जी मेरा भुना चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और सब्जी को उतार लेते हैं। खिचड़ी हम कुकर में बनाएंगे। तो देखिए हमने कुकर लिया है। कुकर में अब हम कच्चा चावल डाल लेते हैं। कच्चा चावल को हमने पहले से भिंगा के रख दिया था 10-15 मिनट पहले से ही। मूंग दाल जो हमने भून के रखी थी उसे हमने धो लिया है। अब हम इसे कुकर में डाल लेते हैं। साथ ही साथ सब्जी जो हमने भुनी है वो भी डाल लेते हैं। सब्जी डालने के बाद हम पानी डालेंगे। पानी उतना ही डालेंगे जितना में बन सके खिचड़ी।
पानी डाल के हम थोड़ा सा करछी से चला लेते हैं। एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और डाल लेते हैं और एक छोटा चम्मच नमक भी डालेंगे। नमक आप उतना ही दीजिएगा जितना नमक आप खाते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल लेते हैं। घी डाल के हम ढक्कन लगा लेते हैं और इसको बंद करके गैस पे चढ़ा देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा, ना ही हाई और ना ही लो। मीडियम रखने से अच्छा से पकेगा खिचड़ी। तो यहाँ पे आप 5 से 6 सीटी लगा सकते हैं अच्छे से पकाने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे 2 कुकर क्यों चढ़ाए। तो 2 कुकर हम इसलिए चढ़ाएं कि खिचड़ी खाने वाले हम 5-6 आदमी हैं, इसलिए हमने 2 कुकर में खिचड़ी बनाए हैं। तो खिचड़ी मेरा हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के मिक्स कर देते हैं अच्छे से। मैं यहाँ पे आप लोगों को खिचड़ी परोस के भी दिखा देती हूँ, नहीं तो बोलिएगा कि खिचड़ी बना ली परोस के नहीं दिखा। तो यहाँ पे खिचड़ी मैंने परोस ली है और आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे खिचड़ी परोसी है। एक बार आप लोग भी खिचड़ी ऐसे बना के ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड कॉमेंट करके हमें बताइएगा।